कोयटा से ताल्लुक रखने वाली बॉडी बिल्डर लड़की अपने तन साजी के साथ साथ कोयटा में लड़कियों को एक बेहतरीन माहौल में योगा की तरबियत भी दे रही है और इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल नबी बलोच। मेरा नाम दुआ है, मैं गोल्ड जिम के इंस्ट्रक्टर हूँ। हमारे यहाँ तकरीबन दो से तीन जो हैं सेशंस होते हैं और पर सेशन हमारे पास तकरीबन 10 से 15 लड़कियाँ होती हैं। मैंने मिस्टर पाकिस्तान 2016 अब्दुल बारी से ट्रेनिंग ली है कराची में। ज़्यादातर यहाँ पे वेट लॉस के पर्पस पे लेडीज़ आती हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हैं कुछ डॉक्टर की रिकमेंडेशन से भी कुछ औरतें आई हुई हैं, कुछ लोग डिटॉक्स करने के लिहाज से आए हुए हैं जिन्हें हमसे योगा करवाते हैं। के बलोचिस्तान में मैंने ये चीज़ देखी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस बहुत कम है, औरतें बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो वो घर में बैठ बैठ के ही उनको पता ही नहीं होता उन्हें स्टेप कैसे लेना है, उन्हें विजिट कैसे करना है। तो उन सब खवातीन से उन सब को मेरा यही मैसेज है कि प्लीज़ आप अपना फर्स्ट स्टेप लें, हमें विजिट करें और अपनी सेहत के लिए दिन 24 घंटे में से एक घंटा तो निकालें, ज़रूरी है। तक नहीं जानते मुझे तब तक उनका रिएक्शन होता है कि यार ये क्या चीज़ है, लेकिन जब जान जाते हैं कि लड़की है, बॉडी बिल्डिंग में है, किसी स्पोर्ट्स में है, तो फिर उतने ही मेरे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं। वाओ, वेरी इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट। और अगर देखा जाए जिस तरह से लड़कियों की अगर बॉडी बिल्डिंग या जिम की बात की जाए, ओवरऑल यू नो हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, आई थिंक इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम जा रहे हैं यू नो जस्ट टू गेन मसल या उस तरीके से, कहते हैं ना आपने बहुत ज़्यादा किसी कॉम्पिटिशन में जाना है, बट देन अगेन आप देखो कितनी सारी लड़कियाँ थी एंड इट्स अबाउट बिल्डिंग।